नमस्ते सभी को, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा भूपत्रक। भूपत्रक के जो प्रश्न है वह यूजीसी नेट, पीजीटी और भूगोल से रिलेटेड परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। अब काफीतर जो स्टूडेंट है उनको भूपत्रक की जानकारी नहीं होती या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वह उनको सॉल्व करना नहीं आता है। तो आज हम भूपत्रक की जानकारी लेंगे और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं तो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है यह एक प्रकार का भूपत्रक है। अब ये जो भूपत्रक है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत और उसके पड़ोसी जो देश है उनकी श्रृंखला पर आधारित है। इस भूपत्रक के अंतर्गत अगर मैं माप की बात करूं तो ये 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 124 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ रहता है। इसमें आपको बहुत सारे वर्ग दिखाई दे रहे होंगे। ये जो प्रत्येक वर्ग है इसका जो मापक है वह 1:10,00,000 का रहता है, यानी कि ये प्रत्येक वर्ग 10 लाखी पत्रक कहलाता है। अगर हम टोटल वर्गों की बात करें तो इनकी संख्या रहती है 136, इनकी संख्या रहती है 136। अब ये जितने भी वर्ग है ना इन वर्गों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले एक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या कहा जाता है, इसका मापक क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसको किस किस नामों से जाना जाता है, उसके बाद में इसके हम उपभाग करेंगे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और हम एक एक करके इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जितने भी वर्ग है ना इनको नाम दिया जाता है, नाम संख्या दी जाती है, नाम संख्या दी जाती है, यानी कि प्रत्येक वर्ग है उसकी एक संख्या होती है जो उसको नाम को निरूपित करती है, उसके सूचक को निरूपित करती है। अगर हम भारत के अंतर्गत देखें तो कई बार वर्गों के जो नाम होते हैं या उनकी जो संख्या होती है वह उस स्थान को भी प्रदर्शित करती है। जैसे अगर इसमें हम वर्ग 43 नंबर देखें तो वह श्रीनगर शीट के नाम से भी जानी जाती है। 53 की बात करें तो वह दिल्ली शीट के नाम से जानी जाती है। 47 की बात करें तो वह बंबई सीट के नाम से जानी जाती है। तो इसी तरीके से ये वर्ग है जो अपने स्थान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस वर्ग का अध्ययन करते हैं और वर्ग के बाद में इसके उपभाग बनाते हैं, फिर उसका हम अध्ययन करते हैं। तो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं और इस स्लाइड के अंतर्गत मैं यहां पर एक वर्ग बना देता हूं। इस तरीके से जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कहा कि जितने भी वर्ग है वह एक संख्या के रूप में जाने जाते हैं, तो ये हमने 136 में से कोई एक वर्ग ले लिया है। अब माना कि ये वर्ग 53 नंबर का है तो ये वर्ग किस नाम से जाना जाएगा, ये वर्ग जाना जाएगा 53 नंबर से। ये 53 नंबर है। अब ये जो 53 नंबर होता है इसका अगर हम बात करें मापक तो इसका मापक रहता है 1:10,00,000 का, और इसके अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार रहता है 4 डिग्री बाई 4 डिग्री का। कैसे रहता है तो मैं बताता हूं आपको। अब देखिए 53 नंबर का जो वर्ग है उसे हम मिलियन शीट भी कहते हैं, और अगर मैं इसके सबसे पहले मापक की बात करूं तो इसका मापक कैसे रहता है, मापक इसका इस तरीके से रहेगा, यहां रहेगा 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। ये 4 डिग्री का गैप यहां पर हो जाता है अक्षांशों के मध्य, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये 4 डिग्री का एक अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। और यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर रह जाता है 76 डिग्री से लेकर 80 डिग्री। ये क्या है, ये पूर्वी देशांतर है, तो यानी कि इसका देशांतर का विस्तार कितना हो जाता है 4 डिग्री का। तो यहां पर हमने देखा कि 4 डिग्री ये उत्तरी विस्तार और यहां पर 4 डिग्री का क्या रह जाता है, पूर्वी विस्तार के रूप में देखा जाता है। अब इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां हम प्राप्त करते हैं जो कि बार बार पूछी जाती है, जिनके बारे में प्रश्न बनते हैं। तो क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस वर्ग के नाम को हम देखते हैं कि इसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। ये जो वर्ग है इसे मिलियन शीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिलियन शीट। तो हम इसका नाम लिख देते हैं मिलियन शीट। और जैसा कि आपको पता है कि ये 1:10,00,000 को प्रेजेंट करता है तो इसे 10 लाखी पत्रक भी कहा जाता है। तो दूसरा इसका नाम क्या हो गया, 10 लाखी पत्रक। तो मिलियन शीट और 10 लाखी पत्रक के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, प्रदर्शित की अगर हम बात करें तो इसे संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये 53 है तो ये 53 नंबर की संख्या का कॉलम है तो इसको 53 नंबर से प्रदर्शित किया जाता है।
प्रदर्शन के बाद में हम बात करते हैं कि इसका मापक क्या है। तो जैसा कि हमें विदित है, हमें पता है कि इसका मापक 1:10,00,000 का है, इसलिए इसे 10,00,000 की पत्र कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इंच में बात करें तो यह 1 इंच प्रस्तुत करता है 16 मील को, यह भी जानकारी हमें रहनी चाहिए। 1 इंच 16 मील को प्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर यह 10,00,000 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, मापक के बाद में बारी आती है विस्तार की, तो हम विस्तार को देखते हैं। तो इसका विस्तार कितना रहता है? इसका विस्तार रहता है 4 डिग्री × 4 डिग्री का, यानी कि 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका पूर्वी देशांतर तक इसका मापक विस्तार रहता है। तो 4 डिग्री × 4 डिग्री, ठीक है, तो यहां पर इसका विस्तार आ जाता है। और ये कुछ खास चीजें हैं जो इनके बारे में पूछी जाती है, तो इसे हमें अपने माइंड में छाप लेना और इसी के अंदर क्वेश्चन बनता है। जैसे मिलियन शीट के बारे में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या प्रदर्शित कर रही है, तो केवल सिंगल संख्या हो तो हम बता सकते हैं। कौन सा मापक प्रदर्शित कर रहा है तो हम यहां बता सकते हैं कि 1:10,00,000 का मापक है या 1 इंच = 16 मील का है। कितने डिग्री विस्तार इसको प्रेजेंट कर रहा है तो हम ये बता सकते हैं कि 2 डिग्री × 2 डिग्री यहां नहीं है, यहां 4 डिग्री × 4 डिग्री इसको प्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से इसके बारे में हम कुछ बातें कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मिलियन शीट की। मिलियन शीट के बाद में इसको हम उपभागों में बांटते हैं। अब उपभागों में कैसे बांटते हैं, तो अगली स्लाइड में हम जो अगला इसका स्टेप है उसको हम देखते हैं, और वर्ग हम यही लेंगे 53 नंबर। तो हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं और स्लाइड के बेस पर हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वर्ग है आप सभी को पता है, और ये कौन सा नंबर था, ये नंबर था 53। ठीक है, 53 के बाद में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, और यहां कहा था कि ये 76 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर कितना है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहां से यहां तक 4 डिग्री पड़ता है, तो हम इसको 4 डिग्री में बांट देते। जैसे 28 से यहां पर आ गए 29, तो ये हो गया 29 डिग्री। 29 के बाद में ये हो गया 30, तो यहां पर हम लिख देते हैं 30 डिग्री, और ये हो जाता है 31, तो यहां पर हम लिख देते हैं 31 डिग्री। इसी तरीके से ये है 76, 76 के बाद में यहां हम देखते हैं तो ये हो जाता है 77 डिग्री, 77 डिग्री। इसके बाद में यह हो जाता है 78 डिग्री, और इसके बाद में आगे हो जाता है 79 डिग्री। कुछ नहीं किया हमने, मिलियन शीट को हमने उपभागों में बांटा है, क्योंकि 4 डिग्री का अनुपात रहता है, तो 4 डिग्री के हिसाब से हमने ये रेखाएं बना दिए। अब ये जितने भी कॉलम है ना, इन कॉलम पे हम कुछ नाम लिखते हैं, जैसे अल्फाबेट देते हैं इनको। तो यहां पर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ और पी। तो 16 खाने बन जाते हैं और उसमें हमने अल्फाबेट का नाम दे दिया। अब देखिए, इसमें से कोई एक कॉलम को यहां पर मैं निकाल देता हूं बाहर। जैसे माना कि ये पहला कॉलम है, तो इस पहले कॉलम को इस तरीके से मैं यहां पर बाहर निकाल देता हूं और उसको मैं प्रेजेंट करता हूं इधर। अब ये कॉलम कौन सा आप बताइए, तो ये कॉलम हो जाएगा 31 से 32, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 31 डिग्री से 32 डिग्री का कॉलम है, और यहां से 76 से 77 का ये कॉलम है, तो ये 76 डिग्री से 77 डिग्री का यह कॉलम। आप ध्यान से देखेंगे कि अब ये केवल 1 डिग्री का अंतराल रह गया, 1 डिग्री का रह गया, तो ये 1 डिग्री का अंतराल हम यहां लेके आए, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए। अब देखिए, इसका हमने उपभाग कर दिया, अब ये किस नाम से जाना जाएगा, तो देखिए शीट नंबर कौन सी है, 53, तो 53 हमने यहां लिख दिया, और ये कौन सा है, ए, तो ये जो वर्ग है ये 53A के नाम से जाना जाएगा, 53A के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में खास रहेगी। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ये जो शीट है ना, इसे क्या कहा जाता है, तो पहले हम लिख देते हैं यहां पर नाम, नाम इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डिग्री शीट, डिग्री शीट के नाम से इसको जाना जाता है। डिग्री शीट के बाद में अगर हम कहें कि और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है चौथाई, चौथाई इंची शीट, या पत्रक कह सकते हैं, एक ही बात है। ये तो हो गया इसका नाम। नाम के बाद में अब हम बात करें कि इसको प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रदर्शित इसको कैसे किया जाता है, 53A के नाम से, 53A के नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका मापक क्या रहता है। तो जैसे 10 लाख की पत्रक का एक अनुपात 10 लाख था, तो इसका 2.5 लाख हो जाएगा। तो एक अनुपात 2.5 लाख इसका मापक हो जाएगा। अब ये तो सेंटीमीटर में, इंच की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो एक इंच प्रदर्शित यहां पर करेगा किसको, 4 मील को। एक इंच प्रदर्शित करेगा 4 मील को, 10 लाख की पत्रक में 16 मील को और यहां पर 4 मील को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हो गई मापक की बात। अब हम इसके विस्तार की बात करते हैं कि विस्तार कितना प्रेजेंट करेगा। तो यहां विस्तार की बात करें तो 1 डिग्री का है, क्योंकि यहां हम देखते हैं कि 1 डिग्री यहां, 1 डिग्री यहां है, तो हम कहेंगे कि ये प्रदर्शित करता है 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री को। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये रिलेटेड किससे रहती हैं, ये रहती है डिग्री शीट से। अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इस प्रकार का बनेगा कि डिग्री शीट को प्रदर्शित कौन करता है, यहां आएगा 53 या 53A, तो हम कहेंगे 53A, है ना। इस तरीके से मापक पूछ लिया जाएगा कि एक अनुपात 10 लाख या एक अनुपात 2.5 लाख, तो हम कहेंगे एक अनुपात 2.5 लाख। इसी प्रकार से अगर विस्तार की बात आती है कि 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री या 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, तो हम कहेंगे 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री इसको प्रेजेंट करता है। तो ये भाग आ जाता है किसका, आ जाता है ये, आ जाता है 53A का। तो इसके बाद भी इसको उपभागों में बांटा जाता है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको बांट रहे हैं वापस, किसको बांट रहे हैं, इसको 53A को। तो अगली स्लाइड है ना, उसमें हम एक और बॉक्स ले लेते हैं। अब ये क्या है, ये है 53A, यानी कि ये डिग्री शीट है। अब डिग्री शीट शुरू कहां से हो रही थी, तो यहां से देखिए 31 से 32, 76 से 77, तो यहां हम लिख देते हैं 31 डिग्री से 32 डिग्री और 76 से 77 डिग्री, ठीक है। तो ये 53A है और डिग्री शीट है। अब हम क्या करते हैं, इसको 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है, इसको 4 भागों में बांट दिया। अब दिशाओं के आधार पर इन कॉलम को हम नाम देते हैं, कैसे देंगे, तो यहां पर हम करेंगे नॉर्थ वेस्ट, यहां हम करेंगे नॉर्थ ईस्ट, यहां हम कहेंगे साउथ वेस्ट और यहां हम कहेंगे साउथ ईस्ट। इस तरीके से हमने नाम दे दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर इनमें से कोई एक कॉलम पकड़ में आ जाए, यानी कि माना कि ये पहला कॉलम है, इस प्रकार से इस कॉलम को हम यहां से पकड़ लेते हैं, तो ये कॉलम हम यहां बनाते हैं ऐसे। अब इस कॉलम का क्या नाम है, इस कॉलम का नाम है NW। देखिए ये एक डिग्री का मामला है, ये भी एक डिग्री का मामला है। अब हमने क्या कर दिया, इसको आधा कर दिया, है ना, आधा कर दिया। तो ये सिंपल सी बात है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये 30 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि आधा डिग्री होता है ना उसको 30 मिनट कहा जाता है, 60 मिनट को एक डिग्री कहा जाता है। तो ये 30 मिनट का मामला हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 30 मिनट का मामला हो जाएगा। अब इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो ये इसी का पार्ट है ना, और इसको क्या कहा जाता है, 53A। तो यहां हम लिखते हैं 53A। अब ये NW है तो हम कर देंगे बट्टा NW, तो इसको इस नाम से जाना जाता है, इसको इस नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में कुछ हम खास चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसका नामकरण क्या है, किस नाम से जाना जाता है। तो नाम की हम बात करें तो देखिए ये डिग्री का आधा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आधा डिग्री शीट, आधा डिग्री शीट के नाम से या पत्र के नाम से इसको जाना जाता है। इंच की बात करें तो यहां पर हम कहेंगे आधा इंची शीट या पत्रक, तो ये हो जाता है इसका नाम, इसको इस नाम से जाना जाता है। नाम के बाद में अगर हम देखें कि इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, तो हमने यहां पर बताया कि इसको प्रदर्शित किया जाता है 53A अपॉन NW, इस तरीके से, ठीक है ना। जो प्रदर्शन संख्या है ना, उसका बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि वह उस शीट को प्रदर्शित करता है, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसके मापक की, मापक की, इसका मापक क्या रहता है, इसका मापक रहता है 1:1,00,000। अगर हम बात करें इंच में, तो इंच इसका रह जाएगा 1 इंच बराबर 2 मील,
तो इस प्रकार से इसका ये मापक हो जाता है। मापक के बाद में अगर हम डिग्री विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार रहता है 30 मिनट × 30 मिनट, ये वाला 30 मिनट × 30 मिनट। तो ये सारी जो सूचना है ना, ये सूचना आपकी हो जाती है किसकी, आधा डिग्री शीट की या आधा इंची पत्रक की। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर इस प्रकार से कुछ भी दिया होता है और उनमें से कोई भी पूछ लिया जाता है कि आधा डिग्री शीट का मापक क्या है, आधा डिग्री शीट का विस्तार क्या है, या आधा डिग्री शीट को किस नाम से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये चीजें हमें यहां पर जानकारी में रखनी है। ये जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होगा उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देने, फिर पता चलेगा कि आपने कितना आज सीखा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाता है, ये आधा डिग्री शीट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो उपभाग होगा ना, हम क्या करेंगे, जैसे 53A को हमने क्या किया, 53A को हमने बांटा है चार भागों में। अब 53A को हम दिशाओं के आधार पर न बांटकर हम संख्या के आधार पर बांटेंगे, 53A को हम दिशाओं के आधार पर न बांटकर हम संख्या के आधार पर बांटते हैं। तो कैसे बांटते हैं उसको हम देखते हैं अगली स्लाइड में। जैसे ये पार्ट हो गया और इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने कहा था 53A, 53A के नाम से जाना था, और 53A को हमने कहा था 31 से 32, 76 से 77। तो यहां हम लिख देते हैं 31 से 32 और ये है 76 से 77, ये सब डिग्री में है, ये भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम चार डिग्री और चार डिग्री में बांट देते हैं, यानी कि चार भागों में इसको बांट देते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, इसी प्रकार इसको भी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब पहले हमने जैसे अल्फाबेट का यूज किया था ना, अब हम अल्फाबेट नहीं करके अब हम काउंटिंग लिखेंगे यहां पर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, याद रखिएगा इससे पहले इसी शीट को हमने चार भागों में बांटा था, मगर अब हम इस शीट को 16 भागों में बांट रहे हैं और हम संख्या लिख देते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं किसी संख्या को निकाल दूं, माना कि ये पहली संख्या है, इसको मैं यहां से निकाल देता हूं ऐसे, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये संख्या नंबर क्या है, तो ये संख्या नंबर है 1। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं कि ये किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम नाम की बात करें, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1/4 डिग्री शीट, 1/4 डिग्री शीट। इसके अलावा अगर हम पत्रक की बात करें कि इसको इंची पत्रक में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंची पत्रक, ठीक है ना, या इसको 1 इंची पत्रक के नाम से भी जाना जाता है, या 1 इंची शीट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गया इसका नाम, नाम के बाद में प्रदर्शित कैसे किया जाता है, तो देखो इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे ये 53A है ना, तो यहां पर लिखा जाएगा 53A और इसी का एक पार्ट है, तो अपॉन 1 हो जाएगा, 1 के नीचे / 1 हो जाएगा। तो इसको प्रदर्शित किया जाता है ऐसे, 53A/1 के नाम से, क्योंकि ये एक नंबर है, इसमें से अगर 10 नंबर लेंगे तो हम 10 लिख देंगे, 15 लेंगे तो हम 15 लिख देंगे, तो इस तरीके से इसको बांटा जाता है, तो ये प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका मापक क्या रहता है, मापक, तो इसका मापक रहता है 1:50,000, यानी कि 1 सेंटीमीटर 50,000 को यहां प्रस्तुत कर रहा है। अगर हम इंच में देखें तो 1 इंच बराबर यहां पर प्रदर्शित करता है 1 मील को, 1 इंच प्रदर्शित कर रहा है 1 मील को। ये तो मापक की बात होगी, अब विस्तार की बात करते हैं, विस्तार, तो विस्तार के अंतर्गत अगर हम देखें तो यह 15 मिनट × 15 मिनट को प्रदर्शित कर रहा है, वो 30 मिनट × 30 को कर रहा था और ये 15 मिनट × 15 मिनट को कर रहा है। तो ये जो सूचना है, ये सूचना आपकी हो जाती है चौथाई डिग्री शीट के बारे में। तो इस तरीके से जो भी हमने
शीट पढ़े हैं या वर्ग पढ़े हैं उनको हमने उपभागों में बांटा है। एक बार हम सरसरी नजर से वापस इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहां पर थे, हमने कहा था कि जो भारत है, भारत को इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध रूप से वर्गीकृत किया गया है मापक के अनुसार। और ये अगर हम बात करें तो ये वर्ग है 136, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं यह किसी न किसी स्थान को प्रदर्शित करते हैं और ये 10 लाख की पत्रक प्रत्येक वर्ग कहलाता है। तो अब हम किसी एक पत्रक को लेते हैं, माना कि 53 नंबर एक वर्ग को हमने ले लिया। अब इसमें क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें प्रेजेंट जो कर रहा है इसे नाम को मिलियन शीट कहा जाता है और 10 लाख की पत्रक के नाम से इसे जाना जाता है। प्रदर्शित इसको 53 अंक से किया जाता है, मापक इसका 1:10,00,000 रहता है और 1 इंच बराबर 16 मील रहता है, विस्तार 4 डिग्री × 4 डिग्री का रहता है। अब ये होगी मिलियन पत्रक। अब इसको उपभागों में हम बांटते हैं तो हम देखते हैं कि यही मिलियन पत्रक को हम 16 भाग में बांट देते हैं और उसमें हम अल्फाबेट लिख देते हैं। उसमें किसी एक बॉक्स को लेने पर वह प्रेजेंट करता है 53A के नाम से। अब नाम इसे डिग्री शीट कहा जाता है, चौथाई इंची सीट कहा जाता है। प्रदर्शित इसको 53A के नाम से किया जाता है, मापक 1:25,00,000 का होता है और 1 इंच बराबर 4 मील को प्रदर्शित करता है, विस्तार इसका 1 डिग्री × 1 डिग्री का रहता है। अब इसके बाद में वो जो 53A है उसको हम और उपभागों में बांटते हैं, तो ये 53A को हमने 4 उपभागों में बांटा दिशाओं के आधार पर, 4 भागों में। इसमें एक कॉलम को हम यहां लेते हैं तो नाम इसको आधा डिग्री शीट कहा जाता है या आधा इंची शीट कहा जाता है। प्रदर्शित इसको 53A/NW से किया जाता है, मापक 1:1,00,000 का होता है या 1 इंच = 2 मील का होता है, विस्तार 30 मिनट × 30 मिनट का रहता है। अब इसी भाग को हम 16 भाग में बांटेंगे, यानी कि 53A को ही 16 भाग में बांटने पर यह स्थिति बनती है। और अब ये जो काउंटिंग है इसमें एक बॉक्स हम ले लेते हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है 53A/1, यानी कि नाम इसको 1/4 डिग्री शीट कहा जाता है, इंची पत्रक के नाम से भी जाना जाता है। प्रदर्शित किया जाता है 53A/1 से, मापक 1:50,000 से या इसको 1 इंच = 1 मील के नाम से जाना जाता है, विस्तार इसका 15 मिनट × 15 मिनट का रहता है। तो ये सारे जो पत्रक थे वह हमें याद होने चाहिए। अब मैं जाते वक्त आपके सामने 2 प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं और उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है और कुछ समझ में आया है तो उसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देना, ताकि हमें पता चले कि हमारा ये जो वीडियो है वो आपका कितना हेल्पफुल रहा है।